सुरक्षा में चूक को लेकर शनिवार को राजकीय बाल गृह शिशु सदन से एक बच्चा भाग निकलने में सफल रहा। बताया गया कि ऋतिक पुत्र राकेश निवासी शाहदरा पुरानी दिल्ली का रहने वाला है। राकेश को रेलवे पुलिस द्वारा जेब कथी के आरोप में मथुरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस ने 14 वर्षीय ऋतिक का चालान कर उसे राजकीय बाल शिशु गृह भेज दिया। यहाँ रह रहे ऋतिक ने जब मौका पाया तो नजर बचाकर वो राजकीय बाल शिशु गृह की दीवार फांदकर भाग निकला। शनिवार की दोपहर हुई इस घटना से राजकीय बाल शिशु गृह के कर्मचारियों में हलचल मच गया। इस घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब सवाल इस बात का था कि जब ये 14 वर्षीय नाबालिग आपराधिक मामले में पकड़ा गया तो उसे बाल सुधार गृह क्यों नहीं भेजा। सवाल ये भी था कि यदि पकड़ा गया ऋतिक नाबालिग था और आपराधिक मामले में संलिप्त था तो उसे राजकीय बाल शिशु गृह में कैसे कोई भी रख लिया गया। बहरहाल जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि कल्पना की जा रही थी। वहां कोई भी जिम्मेदार बाल शिशु गृह का अधिकारी नहीं था और न ही कर्मचारियों के चेहरे पर कोई शिकन थी। इस संदर्भ में हुई बातचीत में राजकीय बाल शिशु गृह की कर्मचारी और चौकीदार ने घटना की सूचना दी। मंच न्यूज के लिए चंद्रेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गोपाल प्रसाद पांडे। पांडे किस पद पर रहे हो? मैं वैसे चतुर्श्री कर्मचारी हूँ, परंतु मैं यहाँ राशन वगैरह का कार्य देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए जो बच्चा आपके बाकी गया, क्या मामला पूरा, क्या नाम था? बच्चे का नाम था ऋतिक, इसके बाप का नाम था राकेश और ये पुरानी दिल्ली का सादरा का रहने वाला था, गली नंबर 4। और ये लावारिस आया था हमारे यहाँ। कब से आया था ये? 15/1/2017। अभी आया 4-5 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए कैसे भागा? ये ऐसा था कि यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो ये ड्यूटी तो बाहर की कर रहे हैं, तो ये लड़का पीछे गया और पीछे लैट्रिन बन रही है, वहाँ एक पेड़ है, ये पेड़ का सहारा लिया उसने, वो पेड़ पे चढ़ा, लैट्रिन पे चढ़ा और बच्चा जेल की तरफ कूद के चल निकल गया। तो आप लोगों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था यही है कि हमारे यहाँ 2 होमगार्ड लग रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था तो उनकी अच्छी है और दरवाजे पे है। तो कहीं मानते हैं कि जब बच्चों की जिम्मेदारी, लापरवाही तो हुई है इसमें? अब लापरवाही क्या है साहब, बाहर से तो गया नहीं, लापरवाही सुरक्षा में चूक है ना? हाँ, सुरक्षा में ये चूक हुई है कि ये पीछे से गया है। चलो ठीक ठीक।